हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना सिखाऊंगा। इसे अंग्रेजी में फाइंडिंग रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। तो आइए सवाल देखते हैं, सीखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख के रखा है, ये सवाल आप सबों को घर में प्रैक्टिस करना है। मैं एक सवाल आप सबों को सिखाता हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना। तो एक क्वेश्चन देखिए, 5x² - 14x + 8=0। तो इस सवाल में से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ बच गया x² - 14/5x + 8/5=0। चूंकि 5 कॉमन लिया हूँ, यहाँ पर 5 कहीं भी नहीं था, इसलिए मैंने 5 से इन दोनों टर्म में डिवाइड कर दिया है। अब 5 को उधर ले जा रहा हूँ तो 0 हो जाएगा। आपका बचेगा x² - 14/5x + 8/5=0। अब देखिए x के टर्म में यहाँ माइनस है तो इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर मिलाना होगा। यदि x के टर्म में यहाँ प्लस होगा तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर मिलाऊंगा। तो चूंकि माइनस है इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर मिलाना है। तो कैसे लाऊंगा? देखिए a² - 2, ये टर्म ये हो गया b, इसे उतारिए 14, जो टर्म नीचे में रहेगा उसे आप डबल कर दीजिए। 2 से काटूंगा 10 को तो 5 आ जाएगा, यानी कि 14/5 जो का त्यों रहेगा। अब ये टर्म b का जगह मारा है तो इसे 14/10 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया b² a² - 2ab + b². चूंकि मैथ के नियम के अनुसार मैं 14/10 को यहाँ अपने मन से जोड़ा हूँ, इसे बैलेंस करने के लिए 14/10 का होल स्क्वायर दे दिया। प्लस माइनस करके जो का त्यों मेरा रहेगा, प्लस क्या बचा मेरा 8/5=0। अब देखिए यहाँ से a² - 2ab + b², यहाँ से यहाँ तक हो गया a - b का होल स्क्वायर। क्या बच रहा है? माइनस का टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 14 का स्क्वायर आप जानते हैं 196, 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस उधर जाएगा तो 8/5 ये माइनस में हो गया। x - 14/10 का होल स्क्वायर मैं इसे काट भी सकता हूँ, बाद में काटूंगा आपके सहूलियत के लिए। एलसीएम 5 और 100 का एलसीएम 100 हो गया, तो आप जानते हैं 196 माइनस 5 से 20 बार में 28 जा 160। x - 14/10 का होल स्क्वायर यहाँ हो गया 36/100। इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर रूट आएगा, x - 14/10 = √36/100। आप जानते हैं रूट के बारे में प्लस माइनस दोनों होता है, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ये माइनस टर्म को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो x = आपका हो गया 14/10 + -36 का रूट निकालना है तो ये हो गया 600 का रूट आपका हो जाएगा 10। x = LCM का 10 हो गया 14 + -6। अब यहाँ प्लस माइनस देख रहे हैं तो x = आपका हो जाएगा यहाँ पर 14 + 6/10, कॉमा दे दीजिए 14 - 6/10। तो 14 + 6 आप जानते हैं 20/10, 14 - 6 = 8/10, इसे काट लीजिए, ये 2 हो गया, ये 2 4 जा 2 5 जा, दिस इज द आंसर। तो बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो फिर से ला सकूँ। धन्यवाद।